हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है संडे और आज हम जा रहे हैं करवा चौथ की शॉपिंग करने। हम जा रहे हैं गुड़गांव के सदर बाज़ार। अभी हम अपने घर से जस्ट निकले हैं और हम कुछ देर में सदर बाज़ार पहुंच जाएंगे। हमारे घर से सदर बाज़ार लगभग 5 किलोमीटर की दूरी, तो हम आधे घंटे में सदर बाज़ार पहुंच जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, हम लोग 15 मिनट में सदर बाज़ार पहुंच जाएंगे, लेकिन आप लोगों को पता है ट्रैफिक कितना ज़्यादा रहता है। ट्रैफिक के कारण हमें आधे घंटे वहाँ पर जाने में लग जाएगा। तो चलिए आप लोग भी देखिए कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या ख़रीदारी मैं सदर बाज़ार से करती हूँ। गाइस, हम लोग सदर बाज़ार पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हमने एंट्री की तो यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स के अच्छे प्रोडक्ट लगे हुए थे। भले ही थोड़ा बहुत डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा इसमें कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। हमें नेल पेंट अच्छी लगी तो हमने यहाँ से नेल पेंट ही खरीदे हैं। और भी चीज़ हम देख रहे थे कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छी मिलेंगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा कॉस्मेटिक चीज़ें जैसे कि इयररिंग, नेकलेस वगैरह जो भी होती हैं वो देखा। वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, थोड़ा बहुत हम ले आए अपने लिए। फिर आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ गुड़गांव के सदर बाज़ार में होती है, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो हम लोग थोड़ा पीछे थे, अंदर मार्केट में नहीं घुसे थे, लेकिन आप लोग देख सकते हैं मेन रोड से अंदर जाते ही भीड़ शुरू हो गई है। और सदर बाज़ार इतना बड़ा है कि अंदर जाते इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है जहाँ मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें ये बैंगल्स मिल रहे थे, चूड़ियाँ थी यहाँ पे, और आप लोग देख सकते हैं बच्चों के कपड़े भी थे यहाँ पे जो जिसपे मतलब सेल चल रही थी। तो यहाँ पे गाइज हमें आगे चल के बहुत मतलब काफ़ी सारे फ्लावर प्लांट्स दिखे जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, और हमने इनमें से कुछ लिए भी हैं जो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। सो फाइनली हम लोगों की शॉपिंग हो चुकी थी। हम लोग निकले थे घर से 1 बजे के लगभग और हमें वहाँ पे 4 बज गई और हमें वहाँ पे 4 बज गई। हम लोग बहुत थक चुके थे इसलिए हमने सोचा थोड़ा जूस पी लें, क्योंकि मन था नहीं कुछ खाने का, तो हमने जूस बनवाया। और हमने यहाँ पे जूस बनवाने के लिए बोला है थोड़ी देर में हमारा जूस बन जाएगा, फिर हम लोग जूस पी के घर के लिए निकल जाएंगे। तो गाइज अब हम लोग घर आ चुके हैं। आज मैं बना रही हूँ सोया चाप। तो सोया चाप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इन जो मैंने मार्केट से सोया चाप के पैकेट लिए थे उसको पानी गर्म पानी में बॉईल करके मतलब गर्म पानी में डाल के कुछ देर के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने उनकी स्टिक निकाल के उन्हें थोड़ा ठंडा होने दिया। फिर उसके बाद मैंने प्याज काटे थे उसको मैंने तेल में डाल दिया और मैं तब तक उन्हें फ्राई करूँगी जब तक उनका कलर ब्राउन न हो जाए। मैंने ये सोया चाप मार्केट से लिया था और आप लोगों को 70 रुपीज़ में ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे कुछ मखाने लिए हुए हैं
मखाने के साथ साथ मैंने कुछ काजू लिए हुए हैं, क्योंकि अभी मौसम ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है तो काजू मैंने थोड़ा कम ही लिए हैं। अगर आप लोग सर्दियों में इस रेसिपी को बनाते हैं तो आप लोगों को काजू थोड़ा ज़्यादा लेने चाहिए, बट अभी मैंने काजू कम ही लिए हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे 4-5 टमाटर काट के रख दिए हैं। साथ में आप लोग देख सकते हैं मेरे प्याज थोड़ा बहुत जल गए हैं, बट ब्राउन भी हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैंने जो ये चाप उबाले थे ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको बारीक कट कर दूंगी। आप लोग इस चाप को कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इनको नॉर्मली शेप में काट रही हूँ। तो मैंने ये सारे चाप काट लिए हैं। उसके बाद जो मैंने प्याज फ्राई किया था उसे मैं मिक्सर जार में डाल दूंगी और इसे पीस लूंगी। तो प्याज को मैंने पीस लिया है, साथ में मैंने कढ़ाई में हल्का सा तेल डाल दिया है, उसमें जीरा डाल दिया है। और अब जो मैंने ये प्याज पीसे हुए थे उसे मैं इस तेल में डाल दूंगी। जब तक प्याज अच्छे से पकेगा तब तक मैं इसे मखाने और एक काजू साथ में टमाटर इन तीनों को डाल दूंगी और इन्हें भी अच्छे बारीक करके पीस लूंगी। आप लोग देख सकते हैं टमाटर भी हमारा पीस चुका है और बहुत ही अच्छा पेस्ट ये बनके तैयार हो चुका है। मैंने इसको जो प्याज मैंने पीसा था उसमें डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी। फिर गाइज मैं इसमें मिर्च मसाले हल्दी नमक जो भी है वो सब इसमें डाल दूंगी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने ये फ्राई पैन में ये थोड़ा जो मैंने काटे हुए चाप थे उनको डाल दिया है। इसमें थोड़ी सी दही डाल दूंगी। दही को डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सी हल्दी पाउडर डाली है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाला है, चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच नमक डाला है और साथ में मैंने इसमें चाट मसाला डाला हुआ है। उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, अपने हाथ की मदद से ही मैं मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद कुछ देर के लिए मैं इसे ऐसे ही ढक के रख दूंगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो मैंने चाप के लिए ग्रेवी बनाई थी वो अच्छे से उबल चुकी है और मैं थोड़ा कुछ देर के लिए फिर इसको थोड़ा उबालूंगी। अच्छे से उबल चुकी है और अब मैं इसमें जो मैंने चाप कट करके रखे थे उसको मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी। सारे चाप मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और 15-20 मिनट के लिए मैं इसे धीमी आंच पे पकाने को रख लूंगी ताकि हमारा जो चाप है वो अच्छे से मसालों को सोख ले। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे मैं रोटियां भी बनाना स्टार्ट करने लगी हूँ, साथ ही साथ रोटियां भी बन रही हैं और चाप भी हमारा पक रहा है। तो आंच का ये मेरा कैसे हो आप सभी लोग, आई नो आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और अभी बज रही है दोपहर की 1। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि अभी मैं नहा के आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कल शाम को मेहंदी लगाई थी तो मैंने वैसे ही बाल धोए थे, तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना बालों को। अगर आप लोग भी मेहंदी लगाते होंगे तो आपको पता होगा अगर हम जब तक शैम्पू न लगाएं बालों पे तो थोड़ा अजीब सा होता है। तो मैंने अभी सिर्फ अपने बाल वॉश किए हैं, सुबह में मैंने ऑयल लगाया था। वैसे मैं नहा सुबह गई थी लेकिन मैंने सुबह में सिर्फ ऑयल लगाया और अभी मैंने अपने बालों को वॉश किया है। सो इसीलिए मेरे बाल गीले हैं। आप लोग ये मत सोचना कि मैं अभी इतनी लेट में नहा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सुबह ही नहा चुकी थी। सो चलिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की लोकल मार्केट से।
सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं मैं करवा चौथ में क्या पहनने वाली हूँ। तो सबसे पहले करवा चौथ में जो मैं चूड़ियां पहनने वाली हूँ वो है ये। मैंने ये खरीदे थे लोकल मार्केट से, यहाँ पे गुड़गांव के सदर बाजार से ये खरीदे, क्योंकि वहां पे कॉस्मेटिक सामान बहुत ही सस्ते मिल जाती है आप लोगों को। अगर आप लोग गुड़गांव में रहते हैं तो आप लोग वहां से ले सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज बहुत अच्छे प्राइस में आप लोगों को वहां पे मिल जाती है। तो मैंने वहां से 100 में ये 8 पीस, ये आप देख सकते हैं 8 पीस के कंगन मैंने वहां से लिए थे। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक ही ड्रेस में हम इसे पहन सकते हैं, हम कोई भी अगर साड़ी पहनते हैं सूट पहनते हैं तो ये हर इसे पहन सकते हैं। ये मल्टी कलर में ये कंगन में लाई हूँ, तो इन कंगनों को मैं अपने शादी के चूड़े के साथ मिक्स करके करवा चौथ में पहनूंगी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किन चीजों से मैं अपना मेकअप करूंगी। ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, वैसे ही मेरा फेस सही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेकअप खोद दूं मैं, मेरे को मेकअप ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का ही मेकअप करूंगी। पहले तो मैं निविया का मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है और अभी भी मैंने निविया का मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। उसके बाद मैं ये एसक्यू का प्राइमर यूज करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्राइमर, इसे मैं यूज करूंगी। उसके बाद मेरा फाउंडेशन है एसक्यू का, इसे भी मैं, ये फाउंडेशन, ये लिक्विड फाउंडेशन है, इसे भी मैं उस दिन यूज करूंगी। उसके बाद एक सिवाना कलर का आई शेडो पैलेट में करवा चौथ में यूज करूंगी, बहुत ही अच्छा आई शेडो पैलेट है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया अपनी वीडियो में, मुझे काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं इसे उस दिन करवा चौथ में यूज करूंगी। उसके बाद ये मिडिन का मैं सिंदूर यूज करूंगी, मुझे रेड कलर के सिंदूर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। कई लोग होते हैं मेहरून कलर के लगाते हैं, बट मैं रेड कलर का लगाना पसंद करती हूँ, तो ये सिंदूर मैं उसे लगाऊंगी। ये बिंदी है मेरी रेड कलर की छोटी सी, इसे भी मैं उसे लगाऊंगी। ये एटीट्यूड की नेल पेंट है रेड कलर की, इसे भी मैं उसे लगाऊंगी। उसके बाद ये एलजी का नेल कलर है गोल्डन कलर में, वैसे तो नेल है नहीं बट लगाना पड़ता है। उसके बाद NYB का ये मैं काजल अपने लगाऊंगी, पर्पल का मस्कारा मैं यूज करूंगी, NYB का कॉम्पैक्ट पाउडर मैं यूज करूंगी। लिपस्टिक में जो यूज करूंगी वो है वेलोस्ट की, ये गाजरी कलर की लिपस्टिक है जो कि मेरी साड़ी से पूरी मैच हो रही है, तो ये लिपस्टिक मैं उस दिन यूज करूंगी। आप लोगों को दिखाऊंगी कौन सी साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। तो गाइस ये है मेरी साड़ी, आप लोग देख सकते हैं कितना इसमें अच्छा सा वर्क किया गया है, हैवी साड़ी है, हैवी साड़ी है थोड़ी सी, बट यार हैवी तो पहनना चाहिए उस दिन, ऐसा नहीं मैं हल्की फुल्की पहन लूं, क्योंकि मैं अभी उतनी ज्यादा एजेज भी नहीं हुई हूँ, अभी मेरी शादी को कुछ ही साल हुए हैं, तो अभी तो पहनना बनता ही है। तो ये है वो साड़ी, ये मैंने शोरूम से ली थी और ये साड़ी मुझे पड़ी थी 100 के आसपास की। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी साड़ी है, कलर भी बहुत ही प्यारा इसका मुझे लगा। और बात करते हैं ज्वेलरी की, ज्वेलरी मैं गोल्ड की डालूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मतलब जो भी मैरिज लड़की होती है वो अगर करवा चौथ का फास्ट रखती हैं तो जो गट वाली नथ होती है वो पहननी पड़ती है, तो मैं उस दिन अपने नथ पहनूंगी, अपना टीका पहनूंगी, साथ ही साथ मैं उस दिन ये वाले इयररिंग पहनूंगी, देखिए ये वाले इयररिंग पहनूंगी मैं। ये तो कंप्लीट हुआ मेरा करवा चौथ में मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या क्या पहनूंगी, लुक तो आप मेरा करवा चौथ के दिन ही देख लेना। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन सी शॉपिंग की है लोकल मार्केट से। सबसे पहले चीज मैंने ली है येलो कलर की नेल पेंट, मेरे पास सारी नेल पेंट थी बस एक येलो कलर का नहीं था, और मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं एक येलो कलर की नेल पेंट अपने लिए लेके आऊं, लेकिन क्या करें शौक तो बहुत है बट नेल मेरे बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मैंने ये नेल पेंट अपने इस पे लगाया हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने नेल आर्ट किया हुआ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वाहियात नेल आर्ट है मेरा, ये आप लोग देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा है, बट ट्राई किया है मैंने, पहली बार ट्राई किया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तो अच्छा है, ज्यादा वाहियात भी नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत अच्छा है। तो मेरे नेल है नहीं लेकिन शौक है मुझे नेल पेंट लगाने का, तो ये येलो कलर का नेल पेंट मैं लेके आई हूँ अपने लिए। उसके बाद मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए ये बिंदी, आज मम्मी के लिए ये कोलासोल का काजल लेके आई हूँ, कंगन लेके आई हूँ, मम्मी के लिए
इस कलर के कंगन लेके आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इन वो रेड कलर की नेल पेंट, ये सिंदूर मेहरून कलर का, क्योंकि मम्मी मेहरून कलर का लगाती है तो मम्मी के लिए मेहरून कलर का सिंदूर लेके आई हूँ। ये लेके आई हूँ, ये कंगन लेके आई हूँ अपनी देवरानी के लिए। मैट की लिपस्टिक लेके आई हूँ, रेड कलर की लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, मैंने भी इसे यूज किया था पहले, अभी मम्मी के लिए लेके आई हूँ। ये देखिए, ये बिछुए लेके आई हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि हमारे में माना जाता है सुहागन लेडीज को एक चीज, मतलब हमारे साइड ये माना जाता है कि ये तो पायल या तो बिछुए, ये मेन होता है, तो बिछुए मम्मी के लिए लेके आई हूँ। मैंने अपने लिए लोकल मार्केट से भी कंगन लिए थे, तो ये दो सेट में मिला मुझे कंगन, ये है 50 के मुझे सदर बाजार में मिले। तो ये देखिए आप, मल्टी कलर में बहुत ही प्यारे कंगन है, एक भी अगर हम जैसे सूट पहनते हैं, जैसे एक डाला हमने, तो आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, देखो। तो अब मैंने और कंगन लिए हैं, ये लिए हैं मैंने, देखो ये भी मेरे को 50 के पड़े, ये 4 हैं, और इनमें देखो आप लोग देख सकते हैं ये रोज बने हुए हैं, ये भी मल्टी कलर में, देखिए सेम है दोनों मल्टी कलर के, लेकिन लुक का फर्क पड़ता है, इसका लुक अलग है, इसका लुक अलग है, इसमें अलग वर्क किया गया है, इसमें अलग वर्क किया गया है, ये देखिए। इसके अलावा मैंने अपने ऑफिस के लिए कुछ फ्लावर लिए हैं, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा, इसका पॉट और ये फ्लावर दोनों काफी अच्छे हैं। तो मुझे जो ये मिला, ये दो सेट मिले मुझे, तो ये दोनों सेट मुझे जो पड़े 200 के आसपास के पड़े, डिस्काउंट लगा के ये 180 का मुझे पड़ा है। ऑफिस के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, तो ये मैं अपने ऑफिस के लिए लेके आई हूँ। इसके बाद मैंने एक और लिया था, ये आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है इन्हें देख के, चेरी लग रहा है ना, चेरी का पेड़। जब मेरे घर वालों ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा मतलब हंसने लग गए कि ये क्या बच्चों के तरीके का ले आए, लेकिन मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। इसमें मुझे सिर्फ ये फ्लावर ही मिले, ये देख सकते हैं आप, एक ये मिला है और एक ये मिला है, ये दो मिले मुझे 100 में, ये मुझे डिफरेंट सा लगा, मुझे पसंद आया इसलिए मैं इसे लेके आई हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, प्यारे लग रहे काफी, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल होंगे, मन करता है कभी तोड़ के खा लूं, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं, डुप्लीकेट है। तो गाइस सारी चीज तो मैंने आप लोगों को दिखा दी है, बस यही चीजें हैं जो मैं लेके आई हूँ सदर बाजार से गुड़गांव के, और अब मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि क्या चीजें मैं अपने लिए लेके आई हूँ, कौन सी चीज मैं करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी है सब मैंने आपको दिखा दिया है। सो यही थी मेरी आज की वीडियो कि मैं करवा चौथ में क्या पहनूंगी, क्या क्या मैंने खरीदारी की है, वैसे तो ज्यादा खरीदारी नहीं की है, बट इतनी छोटी मोटी खरीदारी, लेकिन इस खरीदारी को करने के लिए भी मुझे 3 घंटे लगे, क्योंकि सदर बाजार में जाना सिर दर्दी है, वहां पे वीडियो बनाना उससे भी बड़ी सिर दर्दी है। जब मैं वहां पे वीडियो शूट कर रही थी तो वही है, इतनी भीड़ भड़ाक रहती है, और भीड़ भड़ाक में आप लोगों को मैंने पहले ही बताया क्या होता है, चोरी चकारी का डर, इसलिए वहां पे फोन ज्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वहां पे चोरों का ज्यादा डर रहता है, और साथ में इतना टाइम होता नहीं है, हम कब तक बनाते रहे, क्योंकि हमें इतनी भीड़ रहती है, मतलब इधर से हम जा रहे हैं तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है, इसमें फोन का गिरने का डर रहता है, खुद कुछ होने का डर रहता है, इसीलिए मैंने वहां पे जितना हो पाया मैंने उतना शूट किया, उससे ज्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। सो गाइज आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर कर लीजिए, चैनल को तो आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करना है, तो तभी जाके आप लोगों को मेरे इंटरेस्टिंग व्लॉग दिखेंगे, साथ में DIY नुस्खे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो गाइज मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।